आजकल लड़कियां इतना बनठन के मंदिर जाती हैं, समझ में नहीं आता ये दर्शन करने जाती हैं या दर्शन देने। दरोगा जी। हाँ बोलो। हमको भैया के ऊपर FIR करना है। रे का है? वो होली में भाभी के लेके ससुराल जा रहे हैं। तो क्या हुआ, जाने दो। बक, तो होली में हम किसको रंग लगाएंगे? पता नहीं कब जान पाऊंगा कि लिपस्टिक कड़वी होती है या मीठी। सबकी मम्मी कहती है कि लाइफ में कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, और खुद जो बोलती है सुबह 7 बजे कि 11 बज गए उठ जा। तो है पता, आदमी दारू पीने तो कभी बुढ़ा ना होवे। वो कैसे, मैं समझो ना, जवानी में मर जावे आदमी। टॉयलेट में मोबाइल लेके जाने वाले लोग तब तक नहीं उठते जब तक कि उनके पैर सुन्न नहीं हो जाते। लोग कहते हैं कि औरतों के पेट में बात नहीं पचती, पर आज तक किसी औरत ने अपने बॉयफ्रेंड का नाम अपने पति से नहीं बताया। राम राम सर। गुड हो गया जी। राम राम। तो आप इंटरव्यू देने आए हैं? नहीं सर, आपकी बहन का हाथ मांगने आया हूँ। दोगे? ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी तो आप कर रहे हो उल्टे पुल्टे क्वेश्चन पूछ के। यहाँ बंदा नौकरी लेने आया तो फिर किस लिए आया? ठीक है सॉरी। देखिए, हमें एक जिम्मेदार सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत है। अच्छा, क्या आप ये नौकरी कर पाएंगे? हाँ जी सर, कर लूंगा, और मैं तो बहुत ही जिम्मेदार हूँ जी। अच्छा, वो कैसे बताओ? सर, मेरे गांव में कोई भी रोड़ा होता है उसका जिम्मेदार मैं ही होता हूँ हर बार। चलिए वो सब छोड़िए, ये बताइए आपको इंग्लिश आती है? इंग्लिश क्यों, चोर अमेरिका से आने वाला है क्या? सुनो जी। हाँ बोलो। एक अच्छी खबर और एक बुरी खबर। बुरी खबर ये है कि मेरा फोन बाल्टी में गिर गया। अबे यार, पूरे 1,00,000 रुपए का दिलाया था। और अच्छी खबर ये है कि बाल्टी में पानी नहीं था। चल निकल। अरे बेटा, पूरे दिन पढ़ाई करते रहते हो, कभी खेल कूद भी लिया करो। बात तो सही है। कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड है या नहीं? नहीं पापा, गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड कहाँ, नहीं। अरे बेटा, गर्लफ्रेंड तो होनी चाहिए आज के जमाने में। वैसे पापा एक गर्लफ्रेंड है। अच्छा। अरे अरे, बेइज्जती कर। पापा आप मुझसे चिढ़ते हो, आपकी एक भी गर्लफ्रेंड नहीं होगी ना अपने टाइम पे, इसीलिए। ओह नो। बेटा तू अपने बाप को हल्के में ले रहा है। मैं आज भी जहाँ खड़ा होता हूँ ना, वहाँ लड़कियों की लाइन लग जाती है। तो लड़कों के वॉशरूम में जाया करो ना। इमोशनल डैमेज। डायबिटीज ऐसे ही नहीं आई हमारे देश में। अरे हमें छोटी छोटी बातों पे मुंह मीठा कराना पड़ता है। गर्मी में महिलाएं कितना भी गन्ने का रस और नींबू पानी पी ले, उनके कलेजे को ठंडक मायके जाके ही मिलती है। यार मेरी मम्मी बोल रही है तेरे लिए बिल्कुल अपने जैसी बहू लाऊंगी। तो सही तो बोल रही है। अरे खाक सही बोल रही है, सारी जिंदगी मम्मी से चप्पल खाई है, अब लग रहा है घरवाली से भी मार खानी पड़ेगी। वो रोते हुए बहुत प्यारी लग रही थी, फिर अचानक से उसकी नाक से गुब्बारा निकला और फूट गया, और मेरा दिल भी वहीं टूट गया। हाँ, सबके घर वाले कहते हैं मेरा बच्चा ऐसा कर ही नहीं सकता, लेकिन मेरे घर वाले कहते हैं इसी ने किया होगा। हम खुद परेशान है इससे। हाँ, जब पता है कोई फॉलो नहीं करता है तो अकाउंट डिलीट क्यों नहीं कर देता है? दिल है कि मानता नहीं, दिल है कि मानता नहीं, वीडियो बनाना है, फॉलोअर बढ़ाना है, ये तू तो जानता नहीं। ओ, दिल है कि मानता नहीं।